अब हम पढ़ते हैं बंडूरा को। इससे पहले हमने कोहलर को पढ़ लिया है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और इनके बारे में यह है कि ये कनाडा में जन्म लिए थे 1925 में। अब ये जो सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी से पता चलता है कि ऐसा कुछ अधिगम है जो सामाजिक व्यवहारों को बच्चे के अंदर सिखाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था ये आगे ये पढ़ते हैं हम। कि पहले तो ये देखते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। ये दो नाम है और ये नाम बहुत कंफ्यूजन करता है और समझ में भी नहीं आता कि ये प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत क्यों है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो हमारे लिए बहुत आसान है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत समझना, लेकिन ये प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत में प्रेक्षणात्मक नाम है क्या, प्रेक्षणात्मक क्या है? तो ये कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। प्रेक्षणात्मक को आप ये कह सकते हैं कि अवलोकन है या अनुकरण है किसी के व्यवहारों का। यानी कि बालक क्या करता है, किसी से कुछ सीखना चाहता है तो अपने बड़ों का जो उसके आसपास रह रहे हैं या जिन्हें आदर्श मान रहे हैं अपने शिक्षक को, उसके व्यवहारों का अवलोकन करता है। और वो जैसा जैसा करता है, किसी स्थिति में जैसा जैसा व्यवहार करता है, उसको बालक अवलोकन कर रहा है, उसको दिमाग में बैठा रहा है, अपना रहा है। और जब बालक भी वैसी स्थिति में होगा तो वही व्यवहार करेगा, वैसा ही सेम व्यवहार करेगा जो अपने बड़ों को करते हुए देखा है। उस स्थिति में उसके बड़े जैसा व्यवहार करते थे वैसा ही वो उस स्थिति में जब पढ़ेगा बच्चा तो वैसा ही व्यवहार करेगा। यही है प्रेक्षणात्मक अधिगम, यानी कि अवलोकन के आधार पर अधिगम करना, किसी के व्यवहारों का अनुकरण करना ही प्रेक्षणात्मक अधिगम है। बंडूरा के दूसरे अधिगम का, बंडूरा के ही सामाजिक अधिगम का दूसरा नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसमें क्या है कि बच्चा सामाजिक व्यवहारों को दूसरों से सीखता है, सामाजिक व्यवहारों को दूसरे से सीखता है। मंडूरा ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो व्यवहारों को अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। और वो कैसे सीखते हैं, अवलोकन करते हैं और फिर उसको अनुकरण करके उनको अपने अंदर समाहित करते हैं और वैसा व्यवहार उस स्थिति में होते हैं जब बच्चे तो करते हैं। अब मंडूरा ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए। तो मंडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें बोबो नाम की डॉल थी, यानी डॉल पे एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम बोबो था। नाम पे फोकस करने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं, लेकिन देखते हैं कि कई लोगों की यही टेंडेंसी है, नाम याद कर ले, ये नाम याद कर लेते हैं, ये नाम याद कर लेते हैं, कनाडा में जन्म लिए थे 1925 ये याद कर लेते हैं, ये सब फोकस रखते हैं हम लोग। लेकिन जो जैसे कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसका मेन एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे व्यवहार में प्रयोग होगा, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। अगर वो चीज समझ ले तो सीटेट क्लियर हो जाएगा। ये जो करते हैं नामों को याद करते हैं, गलत नहीं करते, लेकिन ये जो डिमांड है किसी और जगह पे, जैसे स्टेट का एग्जाम होगा, यूपीटेट का एग्जाम है, वहां पे ये डिमांड होती है कि बंडूरा का जो अधिगम था उसके इन चारों में से कौन सा था, तो वहां पे ये नाम याद करना जरूरी होगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम था। तो चलिए एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि बंडूरा ने जो प्रयोग किया था डॉल, बोबो डॉल पे प्रयोग किया था। इसमें एक मूवी दिखाई गई थी, बच्चों का एक ग्रुप था बैठा हुआ था, उसमें एक मूवी दिखाई गई थी। अब क्या हुआ कि ग्रुप आता है, एक डॉल को मारना शुरू करता है, डॉल बहुत सारी रहती है, मारना शुरू करता है, और जो बड़ी डॉल थी उस पर तो बहुत प्रहार स्टार्ट किया जाता है, उसको बहुत बुरी तरह से बच्चे मारते हैं। फिर यहां से मूवी खत्म होती है और बच्चों को तीन समूहों में बांट दिया जाता है और फिर तीन अलग अलग हॉल में बिठाया जाता है। अब वहां पे क्या होता है कि एक समूह को दिखाया जाता है कि जिसने मारा था और जो जितनी आक्रामकता से मारा था उसको उतना ही प्रोत्साहन मिल रहा है और उसको पुरस्कार मिल रहा है, और एक मतलब बड़े व्यक्ति से बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक दूसरा ग्रुप था उसको दिखाया गया कि जब बच्चों ने डॉल पे अटैक किया है तो ना बच्चों को दंड दिया गया है, ना प्रोत्साहन दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, न्यूट्रल वे में दिखाया गया है। तीसरा जो था उसमें क्या दिखाया गया है कि जो बच्चे डॉल पे अटैक किए थे पहली मूवी में, पहले वाले सीन में, उन बच्चों को इसमें दंड दिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, उनको दंड दिया जा रहा है ताकि वो इसकी सजा पाए हैं वो लोग कि डॉल पे आप लोगों ने अटैक क्यों किया। तो ये तीन सिचुएशन बच्चों को क्रिएट की गई थी। जब बच्चों को फिर यहां से निकाल करके उनको अलग अलग डॉल्स के साथ रखा गया, तो जिस वाले पहले सिचुएशन में जिन बच्चों को बच्चों ने ये देखा था कि अटैक करने पर पुरस्कार और प्रोत्साहन मिला है, उन बच्चों ने और आक्रामक होकर के डॉल पे अटैक किया था।
जिन बच्चों को यह दिखाया गया था कि अटैक करने पर ना ही पुरस्कार मिला है ना ही दंड मिला है, न्यूट्रल में दिखाया गया था, उन्होंने भी अटैक किया लेकिन पहले वाले ग्रुप की अपेक्षा कम अटैक किया। और तीसरे वाले ग्रुप ने अटैक किया ही नहीं क्योंकि उनको ये दिखाया गया कि जब अटैक करते कर रहे हैं डॉल पे तो ये गलत है और इस चीज के लिए उनको सजा भी मिली थी, दंड भी मिली थी। तो ये सामाजिक अधिगम, आप ऐसे देख रहे हैं कैसे समाज से ही तीनों ग्रुप सीखा है और जो दिखाया गया उसी का अनुकरण करके इन्होंने अपना व्यवहार प्रदर्शित किया है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था बंडूरा का। इसमें क्या था कि आप समाज के व्यवहारों को अगर सिखाना चाहते हैं बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इसको हम मॉडलिंग की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग की प्रक्रिया। अब मॉडलिंग वो वाली नहीं जो फैशन टीवी पे होती है। मॉडलिंग की प्रक्रिया क्या है कि ये किसी समाज में किसी को भी आदर्श के रूप में व्यक्ति को मान सकते हैं और उनके व्यवहारों का अनुकरण कर सकते हैं और वो ये सोच सकते हैं बालक की अच्छा वो जो आदर्श मेरा व्यक्ति था वो इस सिचुएशन में था, उसने ऐसा कार्य करके ऐसी सोच लगा करके उसने समस्या का समाधान किया था, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी सोचते हैं कि सिचुएशन में पढ़ते हैं अच्छा उन्होंने ऐसा किया था उस सिचुएशन में तो उनकी समस्या हल हो गई थी तो क्यों ना हम अपनी सिचुएशन में इस समस्या को इस उस हल को अप्लाई करें, हो सकता है वो सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे मॉडलिंग की प्रक्रिया में ये देख लीजिए कि क्रेज चला इंजीनियरिंग बनने का तो लोग इंजीनियर बने, तो क्या हुआ वहां मॉडलिंग ही तो हुई, उनके विचारों को जाय कह लीजिए कि एक विचारधारा चली आ रही थी, एक पैटर्न बन गया तो उसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो ये क्या है? सामाजिक व्यवहार का अधिगम ही तो है। सामाजिक हम अपने में अंदर क्या कर रहे हैं, समाज के जो चली आ रही समाज की प्रथा उसको अपने अंदर हम अब्जॉर्व कर रहे हैं। और ऐसे ही एक समाज में कोई वो रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको भी हम अपना रहे हैं। तो ये भी सामाजिक अधिगम का ही सिद्धांत है। हम समाज के नियमों को सीख रहे हैं तो ये भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। और हम कैसे सीख रहे हैं? अपने बड़ों को देख करके हम अपने अधिगम को पूरा कर रहे हैं, सामाजिक अधिगम को पूरा कर रहे हैं। मॉडलिंग का डेफिनेशन अगर कहा जाए तो ऐसा है कि सामाजिक स्थितियों में कैसा व्यवहार करना है, इस स्थिति में बालक अपने दूसरे अन्य व्यक्तियों को देखते हुए ये सोचता है, उसको अनुकरण करता है और वैसा ही व्यवहार उस स्थिति में पड़ने पर करता है। ये थी मॉडलिंग की प्रक्रिया। और बंडूरा में इतना था, बंडूरा में सामाजिक अधिगम में बंडूरा में इतना बताया गया था। ये एक थोड़ा सा और बता दूं कि अगर जैसे कि हम देखते हैं मूवी में, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हमें कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, तो खासकर लड़कियों में होता है ये कि मूवी देख रहे हैं किसी एक्ट्रेस की ड्रेस पसंद आ जाती है तो उस ड्रेस की मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि उस मूवी के नाम पे ही ड्रेस चलने लगते हैं कि उस मूवी का ड्रेस बता दी, ड्रेस दे दी, जैसे अनारकली सूट, ये भी आप देखते होंगे कि लड़कियों की डिमांड होती है। तो क्या है, मूवी एक सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के रूप को फॉलो कर रहा है, यानी मूवी को लोग देख रहे हैं और उसके में जो व्यवहार दिखाया जा रहा है, यानी कपड़े दिखाए गए, उनकी एक्टिंग दिखाएगी, उनकी सोच उनको उनकी सोच को दिखाया गया, वो हम अपने अंदर अगर प्रभावित हो जाते हैं तो अपने अंदर हम समाहित कर लेते हैं। तो ये भी एक पार्ट है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का। ऐसे ही बच्चे सामाजिक व्यवहारों को सीखते हैं। तो ये था बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और इसके आगे आपका स्टार्ट होगा जिन प्याजे कोलबर्ग और लेव वाइगॉट्स की। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको मिस करना जरूरी नहीं, इनसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जरूर ही जरूर बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।